होटल खोलने के निर्णय को लेकर चाइल्ड होटल एसोसिएशन खुश नजर आ रही है, जिसको लेकर एसोसिएशन ने बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा ने की। बैठक के दौरान होटल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मीडिया के माध्यम से धन्यवाद किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने मृत होती जा रही होटल इंडस्ट्री को नई संजीवनी प्रदान कर दी है। होटल उद्योग बंद होने के कारण लाखों लोग बेरोजगारी के कगार पर थे, उन्हें भी अब राहत प्रदान होगी। देवेंद्र वर्मा ने कहा कि होटल उद्योग से जुड़े सभी कर्मचारी और अधिकारी भी राहत की सांस ले रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द पर्यटन उद्योग हिमाचल में अपने यौवन पर होगा और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। होटल्स को खोलने के निर्णय का स्वागत करते हुए चाइल्ड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा ने कहा कि होटल न खुलने की वजह से जहां कई लोग बेरोजगार हो चुके थे, वहीं होटल व्यवसायी भी बेहद परेशान थे, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा होटल्स को आरंभ करने के निर्णय से सभी होटल्स व्यवसायी और कर्मचारी बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि अब वे अपने होटल्स की मार्केटिंग को आरंभ कर सकते हैं ताकि अगले पर्यटन सीजन तक उनका व्यवसाय पूर्ण रूप से पटरी पर आ जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होटल व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार की छूट प्रदान की है, वे तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश में पहली बार हुआ है कि होटल व्यवसाय को राहत प्रदान की गई है, इसलिए वे हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हैं। आज होटल एसोसिएशन चाइल्ड की बैठक हुई और हमने इस बैठक का आयोजन इसलिए किया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो पिछले कल निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में होटलों को खोला जाए, तो हम धन्यवादी हैं जयराम जी के कि आपने हिमाचल प्रदेश में होटलों को खोलने का निर्णय लिया। इससे हिमाचल प्रदेश के जो लाखों बेरोजगार घर पर बैठे थे और जो होटलियर्स थे वो भी कुछ काम नहीं कर पा रहे थे और उनको किस्तों में और सारे अपना काम चलाने में दिक्कतें आ रही थी, अब वो थोड़ा काम चलेगा तो उससे थोड़ा फायदा होगा होटल चलने से और हम अपना अपनी मार्केटिंग कर पाएंगे आगे, होटल की जो अगले आने वाला सीजन है उसके लिए हम तैयारी भी कर पाएंगे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तथा जो पिछले दिनों से लेकर सरकार ने हमारी सहायता की है होटलों की, उसमें बिजली के डिमांड चार्जेज हैं वो भी खत्म किए हैं, जो रजिस्ट्रेशन फीस थी जैसे पोल्यूशन इत्यादि की वो भी माफ की है, उन सब स्कीमों के लिए हम सरकार का और जयराम जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज तक कभी भी किसी सरकार ने इस तरह की कभी मदद नहीं की, पहली बार ऐसी मदद हुई है।